पश्चिम बंगाल में पानीहाटी के स्कॉन मंदिर में दंड महोत्सव में रविवार को गर्मी और उमस के कारण 3 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्वीट किया कि पानीहाटी के स्कॉन मंदिर में दंड महोत्सव में गर्मी और उमस के कारण 3 श्रद्धालुओं की मौत के बारे में सुनकर व्यथित हूँ। वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुँच गए हैं और हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है। महोत्सव अथला घाट पर स्कॉन के दंड महोत्सव या दही चूड़ा उत्सव के कारण श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ उमड़ी थी। कोरोना महामारी के कारण 2 साल पार हो रहे इस उत्सव में 2.5 से 3 लाख लोग पहुंच गए थे। भारी भीड़ के कारण गर्मी और उमस बढ़ गई। गर्मी के कारण मची अफरा तफरी से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 50 लोगों के बीमार होने की सूचना है। बैरकपुर के संयुक्त पुलिस आयुक्त धूप ज्योति डे ने कहा कि पानीहाटी स्थित हुगली नदी के किनारे एक मंदिर में भीड़ में गर्मी के कारण गंभीर रूप से बीमार पड़ने के बाद लोगों को अस्पताल में ले जाया गया। वहीं पानीहाटी नगर पालिका के अध्यक्ष मुलाय रॉय ने दावा किया है कि 2 महिलाओं समेत 3 लोगों की मौत हुई है। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस का एक और दल फिलहाल मौजूद है। महोत्सव को समाप्त कर दिया गया है। जाने माने प्लेबैक सिंगर कृष्ण कुमार कुन्नाथ के पिछले दिनों पश्चिम बंगाल के कोलकाता में लाइव शो के दौरान मौत हो गई थी। केके को कार्डियक अरेस्ट हुआ था, जिसके बाद उन्हें कलकत्ता मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। केके 53 साल के थे। माना जा रहा है कि ऑडिटोरियम में एसी के काम ना करने और भीड़ ज़्यादा होने के कारण उमस हो गई थी, जिससे केके की तबीयत बिगड़ गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।